कड़ी गर्मी में दो दिनों से बिजली नहीं आने पर आदर्श नगर निवासियों ने किया प्रदर्शन, जताई विभाग के प्रति नाराजगी। देखिए बयाना से देवी सिंह प्रजापत की रिपोर्ट। बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते आमजन को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इस भीषण गर्मी में आदर्श नगर में 24 घंटे से ज़्यादा देर से बिजली नहीं आने से लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच गया है। उन्होंने प्रदर्शन कर नाराजगी जताते हुए कहा कि कई बार विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारियों को लट्ठा के विषय में अवगत कराया है, परंतु आज तक कोई कर्मचारी एवं अधिकारी नहीं आया है। वहीं आदर्श नगर के पवन पैलेस वाले मेन रास्ते पर बिजली का पोल टूटकर दो हिस्सों में नजर आ रहा है। पवन पैलेस के मालिक उदय सिंह धाकड़ ने बताया कि लट्ठा 4 महीनों से टूटा हुआ है। कई बार कंप्लेंट करने के बाद भी लट्ठे को नहीं बदला गया है। किसी दिन अगर बड़ा हादसा हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। वहीं कल से इस भीषण गर्मी में लाइट बंद है, परंतु विभागीय लापरवाही के चलते कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं बयाना एक्सएन विवेक शर्मा ने कहा कि लट्ठा टूटने की कोई जानकारी नहीं मिली है। अब पता चला है, जल्द ही लट्ठा बदलवा कर समस्या का समाधान किया जाएगा। ये लट्ठा टूटा हुआ 3-4 महीना है, कई बार शिकायत कर दी और लाइट की बड़ी परेशानी है। ये आदमी भी है तो जयपुर कल एडमिट कराया हो या सवेरे तक लेके गए जयपुर, यहाँ से लाइट आना रही कल से शाम से लाइट, और लाइट अब ना चल रही। देखो ये बात है सब, देख लो नहीं फिर और तंगाम करना पड़ेगा। जगह कौन सी है? पंचायत समिति पे पवन पैलेस के सामने मेन रोड पे।